हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस टेक ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीएस टेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, अभी लास्ट में दो वीडियो डाले थे WhatsApp पर, जिसमें मैंने आपको डिलीट फॉर एवरीवन फीचर के बारे में बताया था कि WhatsApp का डिलीट फॉर एवरीवन फीचर क्या है। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने किसी को गलती से कोई मैसेज सेंड कर दिया तो आप 7 मिनट तक उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, सामने वाले के WhatsApp से भी और अपने WhatsApp से भी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी ने आपको WhatsApp पर कोई मैसेज सेंड किया और उसने अगर डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की मदद से अगर वो मैसेज डिलीट कर दिया है आपको और आप उस मैसेज को रीड नहीं कर पाए हैं तो उस मैसेज को कैसे रीड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी ने कोई मैसेज सेंड किया और उसने डिलीट कर दिया आपके पढ़ने से पहले, तो आप उस मैसेज को देख सकते हैं कि वो मैसेज क्या था। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, आई के बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने गलती से किसी को WhatsApp पर कोई मैसेज सेंड कर दिया है तो उसे आप 7 मिनट के बाद किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, WhatsApp हमें सिर्फ यही फीचर देता है कि हम 7 मिनट तक उसे डिलीट कर दें। तो इस 7 मिनट के फीचर को किस तरह से बाईपास कर सकते हैं, हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए ये वीडियो। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल इंटरफेस पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, इसमें मैं आपको पहले टाइम दिखा देता हूँ। टाइम अभी हो रहा है 10:30 PM, जो कि यहाँ देख सकते हैं। ये मेरे लैपटॉप है, लैपटॉप पे टाइम वही अराउंड 10:31 PM हो रहा है। ये यहाँ भी 10:31 PM है। अब मैं आपको मोबाइल में सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि मेरा डेट एंड टाइम क्या सेट है। डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक है फ्रेंड्स। यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम, इट मीन्स मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता जब तक मैं ये सेट रहेगा। तो डेट एंड टाइम अपने आप ले रहा है मेरा सिस्टम। अब हम चलते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप मैंने ओपन किया एंड ये मैंने यहाँ आप देख सकते हैं 10:32 टाइम है इस वक्त, जो कि अभी 2 मिनट हो चुके हैं हमें स्क्रीन को ऑन किए हुए। मैं यहाँ कोई भी मैसेज टाइप करता हूँ, उससे हम 7 मिनट बाद डिलीट करेंगे। लेट से मैंने लिखा CS Tech Tutorials और ये लिख के मैंने इसको सेंड कर दिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10:33 PM हो रहा है, 10:33 यहाँ भी 10:33 हो रहे हैं टाइम। यहाँ मैंने एक और मैसेज सेंड किया, दिस इज डेमो मैसेज, और इसको भी मैंने सेंड कर दिया। अगेन 10:33 PM आ रहा है टाइम। अब फ्रेंड्स, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी हमसे 7 मिनट के बाद हम इसे डिलीट करेंगे, यानी कि मैं 7 मिनट के बाद आपको इसको डिलीट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं 7 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। जैसे टाइम 7 मिनट क्रॉस करेगा मैं वापस से इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और मैं वापस व्हाट्सएप पर जाता हूँ। एंड ये रहे वो मैसेज जो मैंने सेंड किए थे, CS Tech Tutorial 10:33 पर, दिस इज डेमो मैसेज। अब दोस्तों, मैं इस मैसेज को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कह रहा है डिलीट फॉर मी ओनली, यानी कि यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा, बिकॉज हम 7 मिनट एक्सीड कर चुके हैं। बिकॉज 10:33 पर हमने मैसेज भेजा था और अभी 10:44 हो रहे हैं। अब दोस्तों, इस मैसेज को अगर आपको डिलीट करना है, आपको 7 मिनट बाद पता चलता है कि अरे मैंने मैसेज गलती से सेंड कर दिया था और मुझे अब डिलीट करना है, तो अब 7 मिनट बाद तो कैसे डिलीट होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं वही ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप 7 मिनट के बाद भी व्हाट्सएप के किसी मैसेज को डिलीट कर सकते हैं फॉर एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नेट ऑफ करना है। नेट ऑफ करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर डेट एंड टाइम को ऑटोमेटिक से ऑफ करना है, और डेट एंड टाइम आपको वो सेट करनी है जिस दिन आपने वो मैसेज सेंड किया था। मैंने मैसेज आज सेंड किया तो मैं आज की डेट सेलेक्ट करूँगा 6/2018, और टाइम मुझे वो सेट करना है जब आपने मैसेज सेंड किया था। उससे 1 मिनट आप आगे कर सकते हो। 10:33 पर मैंने मैसेज सेंड किया था तो मैं यहाँ पे 10:34 कर लेता हूँ इसको टाइम को, या 35 कर लेता हूँ, बिकॉज 7 मिनट में हमें डिलीट करना है। तो 7 मिनट जब आपने मैसेज सेंड किया था उससे 7 मिनट के बीच का आप कोई टाइम ले सकते हैं। 10:35 मैंने इसको कर लिया है। अब आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर पर जाके आप यहाँ से व्हाट्सएप को हटा देना है। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाना है आपको एप्स में। ऐप्स में आपको व्हाट्सएप निकालना है एंड व्हाट्सएप को करना है आपको फोर्स स्टॉप। फोर्स स्टॉप करने के बाद आप बैक आएंगे। बस फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं वापस व्हाट्सएप पे जाऊंगा।
और मुझे वो मैसेज ढूंढना है जिसे मुझे डिलीट करना है। ये मैं उस मैसेज पे आ जाता हूँ, ये था वो मेरा मैसेज जिसे मुझे डिलीट करना है, सीएस टैग ट्यूटोरियल्स। इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन करना है। जैसे आप डिलीट फॉर एवरीवन करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, यू डिलीटेड दिस मैसेज, ये मैसेज डिलीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, अभी तक हमारा नेट ऑफ है, तो जब तक नेट ऑफ है ये भी आपकी तरफ से डिलीट हुआ है। जैसे ही आप नेट ऑन करेंगे ये सामने वाले के व्हाट्सएप से भी डिलीट हो जाएगा। तो चलिए नेट ऑन कर लेते हैं, इसके लिए नेट ऑन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, यू डिलीटेड दिस मैसेज एज इट इज है। अब ये फ्रेंड्स सामने वाले के व्हाट्सएप से भी डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का जो डिलीट फॉर एवरीवन फीचर है 7 मिनट के लिए, उसको हमने बायपास कर लिया है और हम 7 मिनट के बाद भी अब इसको डिलीट कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस फीचर के बारे में पता चल सके। हाँ, साथ ही दोस्तों मैं दूसरी बात आपको क्लियर कर दूं, ये कोई फेक नहीं है, ये मैंने खुद डेमो करके देखा है, उसके बाद मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। आप सारे स्टेप ठीक से फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली आप उस मैसेज को डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप 7 मिनट के बाद में व्हाट्सएप के किसी मैसेज को डिलीट कर सकते हैं सामने वाले के व्हाट्सएप से भी और खुद के व्हाट्सएप से भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, जो ग्रे बटन है लाइक का उसे ब्लू कर दें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इस वीडियो में, आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं मुझे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दे सकते हैं। और जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, रेड बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल सीएस टेक ट्यूटोरियल्स।